ನಾವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಇವರನ್ನ ಮೆಟ್ರೋದೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಡ್ರೆಸ್ ಗಲೀಜ್ ಇದೆ ಅಂತ नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अफसोस, अब आपको मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए फैशनेबल होना चाहिए। जी हाँ, बैंगलोर मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन से स्टाफ ने किसान को मेट्रो पर इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान मेट्रो में बैग चेकिंग पॉइंट पर खड़ा है और उसके सिर पर सामान रखा हुआ है और मेट्रो स्टाफ उसे आगे नहीं जाने दे रहे। इसी बीच वहां खड़े एक पैसेंजर कार्तिक सिंह ईरानी ने अफसर से पूछा कि क्या मेट्रो में चलने का कोई ड्रेस कोड है। कार्तिक सिंह ईरानी नाम के इस व्यक्ति ने ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में कार्तिक मेट्रो के स्टाफ से सवाल जवाब भी करते नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने मेट्रो स्टाफ से कहा कि ये व्यक्ति किसान है और इसके पास मेट्रो से यात्रा करने के लिए टिकट है। उसके बैग में कोई ऐसा सामान नहीं है जिसे मेट्रो में ले जाने पर प्रतिबंध हो। उसके पास बैग में केवल कपड़े हैं। किस आधार पर आप उसे मेट्रो में सफर करने से रोक रहे हैं? मुझे ऐसा नियम दिखाइए जो मेट्रो के यात्रियों के लिए एक ड्रेस कोड अनिवार्य करता हो। क्या मेट्रो सिर्फ VIP लोगों के लिए है? ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप इनको जाने से नहीं रोक सकते। इसके बावजूद भी मेट्रो स्टाफ ने किसान को मेट्रो में नहीं चढ़ने दिया। कार्तिक ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो की जांच के बाद बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसान को रोकने वाले सिक्योरिटी सुपरवाइजर को टर्मिनेट कर दिया है। BMRCL ने ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि मेट्रो सभी लोगों के लिए सुलभ एक समावेशी सार्वजनिक परिवहन का साधन है। उस यात्री को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन में जो घटना हुई थी उसकी जांच की गई है और वहां तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।